अब मैं इसके बारे में तो कह नहीं सकता क्योंकि काफी चीजें फिर काफी बातें उड़ जाएंगी। अब ये तो देखो नहीं, जो देखो शेर जब बाहर निकलता है ना तो काफी लोगों से चिढ़ते हैं कि इसको दबा लें, ये ऐसे ऊपर क्यों उठ रहा है। गाँव का एक बंदा हमसे मिलता है, गले मिलता है, कोई बंदा होता है बिल्कुल ना पैसे का ना किसी चीज का, ऐसा उसने नहीं किया है। बस फोटो वोटो जो उसने क्लिक किया वो मुझे पता है, ये विरोधी है और कौन हो सकता है जो उससे चलते है। एक बात बताओ, जो बाबा जी गड़ा में सांप टाके डोल रहे हैं, इन्हें क्यों ना पकड़ ले कोई, ये भी कोई इलीगल है। सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है। हमने तो भाई आज तक सिगरेट, बंदे को सिगरेट पीते ही नहीं देता। युवा हमारे साथ है, गांव के ही युवा है, एल्विश यादव के गांव के लड़के हैं। इनका भी कहीं ना कहीं सपना रहा होगा कि ऐसे ही एल्विश यादव की तरह किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। भाई क्या नाम है पहले तो मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपका नाम बता दीजिए पहले एक बार। कुणाल पहलवान। कुणाल पहलवानी करते हैं? हाँ जी। अरे वाह क्या बात है भाई, पहलवान हो इसका मतलब है। हाँ जी भाई। अच्छा भाई कुणाल एक बात बताओ कि एल्विश यादव किस तरह का लड़का रहा है, उसकी किस तरह की यहाँ पर आप लोग रहे हो, साथ में रहे होगे, उसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, तो किस तरह की उसकी बातचीत रही होगी कि किस तरह का लड़का है, गुस्से वाला है या किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, किस तरह का लड़का है भाई? बहुत अच्छा नेचर का सर, बहुत अच्छा। कोई मतलब हमारे गाँव में तो आज तक शिकायत आई नहीं है, 20-25 साल हो गए भाई को, मतलब बढ़िया आदमी है, बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ मतलब दूर दूर से आते हैं लोग, उनको घर पे बैठाते चाय पानी वगैरह, मतलब सेवा पानी करते, दूर दूर से आते हैं ना बंदे, अपने फ्लैट पे भी लेके जाता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अच्छा है, नेचर वाइज भी अच्छा है। तो कई बार ना देखा जाता था कि तुम्हारी तरह युवा था, रोस्ट करता था लोगों को, उसके वीडियो पर रोस्ट करके अपने उसने अपनी इमेज बनाई, बड़े अच्छी यूट्यूबर बना, ठीक है। उसके बाद अब जिस तरह से चर्चा को केंद्र बना हुआ है, ठीक है, सांपों का बता रहे हैं, जहर सप्लाई करने में मामले में उसका बड़ा नाम उछल रहा है, कितना सही लगता है कि एल्विश यादव ऐसा कर सकता है कि नहीं? झूठ है भाई ये सब, आप झूठ ही है। एक बार फेम बन जाता है भाई उसको तो फिर नीचे दिखाने के लिए लोग करते ही है, अब वो चढ़ गया है तो उसको नीचे दिखाने के लिए। कौन है, कौन ऐसा आपको क्या लगता है कि कौन है ये जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, एल्विश यादव बदनाम करने काम कर, विरोधी है और कौन हो सकता है जो उससे चलते है? कौन कौन विरोधी? देखो आप तो देखते रहते हो एल्विश यादव की लगातार वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल में, सब जगह वो छाया हुआ है, ठीक है। कौन ऐसे लोग हैं जो उसे कहीं ना कहीं चिढ़ करते होंगे, आप देखते ही होंगे कहीं ना कहीं टीवी न्यूज चैनल के माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से भी कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं, तो ऐसा कौन लगता है कि जो चिढ़ रहा होगा उनसे? विरोधी भी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, एक बार उसको गिराने के लिए तो और हजारों खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के खड़े हो जाते हैं। मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे तो मतलब भाई सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है, इन चीजों को नहीं दिखा रहे न्यूज वाले भी, करता है ना भाई भी। धर्म पे काम करे उसको तो दिखा नहीं रहे, अब ये जो अफवाह फैल रही है, खामू खा के अफवाह फैल रही झूठी, उसको दिखा रहे। कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि एल्विश यादव का कत्ल फिर इस तरह का है कि अगर उससे कहीं गाड़ी टकरा जाती है, ठीक है, तो उतर करके उससे मार पिटाई करने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्से वाला है एल्विश यादव, कुछ भी नहीं। हमारे गाँव में डेली आते हैं बंदे, डेली मतलब भाई कोई काम पे भी जाता रहता है ना तो कह रहता है भाई थोड़ा सा जल्दी, अगर फोटो भी खिंचानी है थोड़ा जल्दी खिंचा दो, कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं गुस्से वाला, यानी गांव में एक अच्छा नेचर है उसका, सबसे कोई वो है ही नहीं भाई के उसके खिलाफ है ही नहीं। जैसे बहुत दूर दूर से मिलने आते उससे लोग, तो एक बार उसके घर के पास लेके चले गए, मम्मी से पूछे गए तो लेट भी रहा होगा तो भी मिलने आएगा फोटो खिंचाने के लिए, एक बार भाई तसल्ली हो जाए बस मिल, कोई दूर से आ रहा है, बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, मिलने जरूर मिलता है जरूर, फोटो खिंचाएगा बेशक से। एक मेरा लाख सवाल, मैंने पहले आपसे नाम नहीं पूछा भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम भाई गौरव कर रहा है। गौरव, अच्छा आप भी पहलवानी करते हैं? अरे वाह, ये तो पूरा जो गाँव है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी वजीराबाद में लग रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है कि सारे के सारे कोई ना कोई पहलवान है, कोई ना कोई बढ़िया यूट्यूबर है या कोई ना कोई बढ़िया काम करता नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा गांव है ये। तो भाई एक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि उनके मम्मी पापा और इनके परिवार का किस तरह का नेचर है गांव के लिए? बिल्कुल बढ़िया नेचर है सबका ही, उनके फैमिली में भी सबका बढ़िया नेचर है। उसका एक सबसे करीबी दोस्त है कटारिया, ठीक है, वो उसका किस तरह का नेचर है वो जब सारे यहाँ पे आते हैं? भाई सही है, बढ़िया भाई, बिल्कुल छोटे भाई की तरह समझता है अगर कोई जा रहा है छोटा, मतलब उनके खिलाफ कुछ बैड बातें है ही नहीं, मतलब बढ़िया है सब कुछ, हर चीज से सही है वो, सही है हर चीज से। कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेगेटिव की अगर वो जैसे नशे से की बात हो रही है? नहीं 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 भाई नहीं, ये अफवाह वही वाली बात है, चढ़ा दे चढ़ गया एक बार तो उसको गिराने के लिए तो दुनिया हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपसे बात करके आपको अच्छा लगा। तो कई सारे लोग हैं उनसे भी अंदर चलते हैं बातचीत करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ और गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आइए। अभी हम आ पहुंचे हैं एल्विश यादव के घर के बाहर, ये एल्विश यादव का पुराना घर है जहाँ पर उसका बचपना जो है वो बीता था। मैं आपको थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये गांव के अंदर की जगह है जहाँ पर एल्विश यादव का ये पुराना जो घर है ये यहाँ पर बना हुआ है, किस तरह के यहाँ पर उसका पूरा बचपन जो है यहाँ पर बीता था। एल्विश यादव का बोर्ड लगा हुआ है क्योंकि बिग बॉस OTT 2 का जो है किताब वो जब जीत के आए थे
वो यहाँ पर आने के बाद जिस तरह के पोस्टर लगवाए गए थे, इनके समर्थन जो थे, जिन्हें पूरे गांव के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दूं कि ये एल्विश यादव का पुराना घर है। आप देख सकते हैं कि कितने किस तरह की हालत में है घर, और अभी इस पूरे घर की जो है रेनोवेशन जो है, एल्विश यादव ने अपनी यूट्यूब पे भी डाला था कि उसने पूरा रेनोवेशन करवाया था, पेंट वेंट करवाया था, और अभी घर के बाहर जो है ताड़ा लगा हुआ है, घर पे कोई नहीं है। नहीं तो इनके परिवार से भी बातचीत करनी कुछ करते, पर उसके पहले यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करनी कुछ करेंगे, गांव के लोगों से बातचीत करनी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं वो लोग एल्विश यादव के बारे में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गाँव के कई सारे मौजूदा लोग हैं उन यहाँ पर घरों में, एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग यहीं के हैं, तो भाई कैसा था एल्विश यादव का बिहेवियर, किस तरह का था, गुस्से वाला आदमी था, क्या कहते हैं उसको? बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा जी। भाई कहते हैं कि वो रोज करता था, गुस्सा करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, अब उस पर इल्जाम लग रहा है कि कहते ना वो सांपों का इस तरह का जहर जो है वो सप्लाई करता है, कैसे दिखता है? नहीं सर, हमने देखो जब से देखा है अली भाई को, बहुत सीधा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, हमसे मिलता है गले मिलता है, कोई बंदा होता है बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, ना पैसे का ना किसी चीज का ना फेम का, कोई एटीट्यूड नहीं बनने में, बिल्कुल प्यार से रहता बंदा, बहुत बढ़िया बंदा है। तो इस तरह के जो इल्जाम लगा रहे हैं कि एल्विश यादव इस तरह के सांप का सप्लाई कर रहा था, जाहिर करता, उसने कबूला भी पुलिस के आगे, पुलिस बोल रही है कि एल्विश यादव ने कबूल लिया है, तो कितनी सच्चाई लगती है कि एल्विश यादव ने वो कबूला है, तो किसी दबाव में कबूला है, क्या कैसे दिखता है उसको? अब ये तो जी देखो पुलिस प्रशासन जान सकती है, उनको पता होगा ज्यादा, हमसे ज्यादा तो उनको पता है। और जहाँ तक बात है, हमने तो भाई आज तक सिगरेट, बंदे को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, और सांप का जहर तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कई बार वो देखा गया कि एल्विश यादव वीडियोस में हुक्का पीता नजर आता है जी, तो हुक्का तो सर नॉर्मल बात है, देखो हम लोग भी पीते हुक्का वगैरह, तो वो चलिए गांव की बात है, वो एक हुक्का तो नॉर्मल सभी गांव में सब चले। क्या दिखता है कि एल्विश यादव आपके पड़ोस में रहता है, तो किस तरह का बिहेवियर रहा है, कब से आप लोग उसको देखते आ रहे हैं? सर जब से भाई ने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करा, हम तो जब से ही देखते थे भाई को। तो और भी मौजूदा गांव के कई सारे लोगों में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ उन लोगों को वो किस तरह से सोचते थे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि एल्विश यादव की किसी से आस पड़ोस में कई बार कहता है कि अब बनती नहीं होगी, तो कोई परिवार वाले के कुछ विवाद विवाद ऐसा कुछ? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत सबसे बन के रहती है और अच्छा बंदा है, सबसे बना के रखता है, कोई किसी से बिगड़ती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांव के और भी मौजूदा लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग किस तरह से क्या सोचते हैं, कैसा है एल्विश यादव? उनका नेचर स्वभाव तो काफी अच्छा है, गली में आते हैं कोई बच्चा बोलता है उनसे वो बातें भी करते हैं, मेरे से भी काफी बार बातें करी, मिलता हूँ उनके घर पे जाके, मैं आंटी भी जानती है, अंकल भी जानते हैं, बाकी क्या चल रहा है इनका इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? समथिंग 6-7 साल हो गए मुझे। तो कई बार देखना पड़ता होगा कि एल्विश यादव जब आता होगा, हाँ। जाता होगा, किस तरह का बिहेवियर रहा था एल्विश? बिहेवियर मतलब काफी अच्छा है, अभी जिम भी जाया करते थे 5:30-5 बजे, तो मैं निकला करता, बोला भी करता, काफी बार राम राम बोला करता, वो भी राम राम रिप्लाई किया करते थे, ऐसा तो कुछ वैसा नहीं है एटीट्यूड वाला। खैर काफी बताया जाता था कि एल्विश यादव यहाँ जब आस पड़ोस में रहा करता था, घर परिवार के कई सारे लोगों के बीच में रहा करता था, तो उनसे बातचीत भी करता था, बच्चों को अपनी गाड़ियाँ दिखाया करता था, प्लॉट में जाकर के दिखाया था, गाड़ी लेके आया करते थे काफी बार, बिल्कुल मेरी बात ये है कि जब ज्यादा लोग आया तो परेशान हो जाया करते, तो वो भी इरिटेट हो जाया करते, अब घर पे ही वो चैन से ना रह पाए और वहीं पर सारे लोग आ जाया करते तो थोड़े बहुत परेशान हो जाया करते, भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगी, देखो सेलिब्रिटी है एल्विश यादव का, लोग सराहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे में कई बार देखे थे कि उसमें ना ईगो टाइप की कुछ आ जाता है, क्या ऐसा कुछ था कि एल्विश यादव गुस्से लाद लड़का? नहीं गुस्से टाइप का मैं बताऊं तो एक बार खाली उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था, एक लड़के को वो आया था कहीं बाहर से ही, उन्होंने सुबह से लेके बिहार का था शायद, उसका नाम था राजा ब्लॉक, आप शायद जानते हुए राजा काफी फेमस है बिहार का। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारा मिला ही था तो मिल नहीं पाया, तो वो चौमिन की एक दुकान लगती मोड़ पे, तो वहाँ बैठ के रो रहा था वो, वही दिखा रहे थे इंस्टाग्राम पे, देखो भैया मेरे 1 मिलियन है, उस टाइम पे 1 मिलियन थे उसके, तो अब तो ज्यादा भी हो गए उसके घर, उससे भी नहीं मिल पाया वो भी, उससे भी नहीं मिल पाया। हाँ तो बेचारा वो चला ही वो, तो देखो एल्विश यादव खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी रहा है, यूट्यूब से उठा है, उसके इतने लाखों फॉलोवर्स हैं, ठीक है, एक वो अगर किसी को सपोर्ट भी करता है तो कई सारी चीजें वो ये भी कहता नजर आता है कि जब भी खड़े हो तो अपने दम पे खड़े हो, बिल्कुल, ठीक है। आप भी युवा है तो आप किस तरह से देखते हैं कि एल्विश यादव जो कर रहा है वो सही कर रहा है? अब मैं इसके बारे में तो कह नहीं सकता क्योंकि काफी चीजें फिर काफी बातें उड़ जाएंगी, इसलिए काफी बातें होती हैं जो कि पता होता है, साथ में रह रहे हैं अब, यहाँ गली में रह रहे हैं, दिखता भी है, तो इसलिए इसके आगे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी मेरे फिलहाल से तो देखो मैं बताऊँ, थोड़ा एटीट्यूड भी है और बाकी ठीक भी है वो। क्या लगता है एल्विश यादव, अगर मैं एक छोटा सवाल आपसे वैसे करूँ, हाँ। कि एल्विश यादव को लेकर के क्या लगता है कि वो इस तरह के काम कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, जो सांपों को जहर? जिस तरीके से मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ,
जिस तरीके से वो उसमें करते हैं तो उन्हें शायद दिमाग लगा सकते हैं कि शायद कि उसमें नहीं पकड़ा जाता मैं, शायद रियल लाइफ में भी ना पकड़ा जाऊं, तो हो सकता है कि कर भी सकते हैं। तो एक तरीके से जिस तरीके से रहते हैं वो गली में नेचर व्यवहार स्वभाव है, शायद नहीं भी कर सकते हैं, बस इतना कह सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया, आपने एक बड़ा एक जवाब जो है ना बड़ा इन्होंने वो बड़ा दिया आसानी का कि कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि फिल्मों में देख के कई लोग ना बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि अगला कौन है जिससे हम बातचीत करेंगे और उससे जानेंगे कि एल्विश यादव किस तरह का उसका बिहेवियर जो है वो रहा। भाई एल्विश यादव को लेकर के ना एक थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि एल्विश यादव किस तरह का पर्सन रहा है, गुस्सेल रहा है, कई बार कह रहे हैं अब इस पर एग्जाम निकल रही है सदाते ही मारी गाली बैठे हुए गोर बढ़िया छोरो एक नंबर कोई बात ही ना ऐसी तो नहीं। वो तो देखो यूट्यूब में दिखता ही है कि एक नंबर लड़का है, हर चीज में बढ़िया रोस्ट करके आगे बढ़ा है, एक छोटे से परिवार का लड़का इतना बड़ा फ्रेम बन चुका है। ठीक है, क्या लगता है कि अब जो इल्जाम लग रहे हो कितना सच्चा झूठा है? सब बेवकूफी है, कुछ नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। ये यार एक बात बताओ, जो बाबा जी गड़ा में सांप टाके डोल रहे हैं इन्हें क्यों ना पकड़ ले कोई, ये भी तो इलीगल है। चाहे वो नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो गलत। क्या लगता है कि जो PFI है वो उसको कहीं ना कहीं फंसाने का काम कर रहा है? यही हो रहा है, और हो क्या रहा है, यही हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई जालसाजी ऐसा कुछ लग रहा है? इस चीज का तो हमें नहीं पता जो ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत तो गलत है हमारी। देखो भाई हम यूथ हैं, हम युवा हैं, ठीक है, हम उसकी लेके बात करें, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा हैं। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसको कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि फंसाने का काम किया जा रहा है? ना भाई, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है भाई। आप कैसे देखते हैं कि एल्विश यादव आप लोगों के साथ रहा, बचपना उसके साथ बीता बचपन से? ऐसा है, अगर गलती होता ना अब भी निकटा बड़ा है तो दाहिन राम राम शाम शाम करके बढ़िया दावा निकटा वो बड़ा है। अगर गलत होता तो हमारे मिलना जुलना क्यों रहता अब तक? एक OTT2 जब जीत के आया, एक कहते हैं ना कि एक किस्म में अगर ऐसा कुछ जीत जाए देश भर में नाम हो जाए, एक अलग सी ईगो एक हो जाती है, तो ऐसा कुछ देखने में कुछ भी ना था भाई। 3-4 दिन बाद आ जाए दाही सब तो मिल के गया, सबका धन्यवाद करके गया है, गांव में जितना भी मान ले 10-12 आदमी एक जगह बैठे हैं सबका धन्यवाद करके गया है, मिल के गया बातचीत। हाँ, सबसे मिल के गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। कि देखिए ये गांव के लोग हैं और गांव के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो एल्विश यादव है बड़ा ही सज्जन और बड़ा प्यारा लड़का है, बचपन से गाँव वालों के साथ उठना बैठना उसका रहा है, तो ऐसे में क्यों उसको फंसाया जा रहा है ये बड़ा सवाल है, और क्यों उस तरह के इस पर इल्ज़ाम जो है वो पुख्ता किए जा रहे हैं, उसको बोला जा रहा है कि उस पर कहते हैं इस तरह का। एक महीने उसको लेकर के एक गांव के मौजूदा शख्स ने ये भी कहा कि गले में सांप लटका करके तो काफ़ी लोग घूमते हैं, तो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती, सिर्फ एल्विश यादव ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। बाकी और गाँव के क्या कुछ लोग कहते हैं उनसे ही बात करेंगे, चलिए आइए। तो गांव के लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। भाई एल्विश यादव थोड़ा साइड कर लीजिए कि एल्विश यादव किस तरह का जो लड़का है, आप लोग गांव में कितने टाइम से उसको देखते आ रहे हैं और किस तरह का उसका बिहेवियर आप लोग देखते हैं? वो मेरे हिसाब से तो ठीक है वैसे भाई, इसका मकान ही रहा वही पापा उसके यहाँ पे रहते हैं, बढ़िया। मतलब मेरे हिसाब से तो कोई इसके अंदर मतलब वैसा नहीं है, एटीट्यूड बंदा। बाकी कितने टाइम से जानते हैं आप लोग, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ मुजीराबाद। तो क्या दिखता है कि कई बार आप एल्विश यादव से मिले भी हो गए, राम राम शाम शाम होती है, आमने सामने निकलते हैं, तो क्या लगता है कि एल्विश यादव, देखिए जितना स्मार्ट चेहरा इसका दिख रहा है, चमक है लड़के में, एक छोटे से यूट्यूबर से इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, OTT2 यानी बिग बॉस, सलमान खान, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, आमिर खान, इन सबसे मिलकर के एक बड़े बड़े गाने उसने रोस्ट कर लिए, आज इतना बड़ा फ्रेम बन गया है, क्यों खराब किया जा रहा है उसको? अब ये तो देखो नहीं, जो देखो शेर जब बाहर निकलता है ना तो काफी लोग उसे चिढ़ते हैं कि इसको दबा लें, ये ऐसे ऊपर क्यों उठ रहा है, गाँव का एक बंदा, ठीक है, तो उस तरीके का बंदा है वो, उसने बहुत मेहनत की हुई है, मैंने भी देखा कई बार निकलता आता जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो फेमस हो रहा है। अब बाकी इसके बारे में तो इतना पता नहीं, देखो सपोर्ट मैं भी करता हूँ उसको, क्योंकि पड़ोसी है वो मेरा, बिल्कुल छोटा भाई है हमारा, गाँव का शहर का लड़का है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक सांप के जहर को लेकर के, ठीक है, उसने कह रहे हैं कि पुलिस वालों के आगे कबूला भी है, ठीक है, पर उसने भी वीडियो में कोई सामने नहीं आया, पर उसने कबूला है पुलिस के सामने कि हाँ वो इस तरह से करता था, कितना सही लगता है कि वो इस तरह की क्या करता कर सकता था? ऐसा तो नहीं कर सकता था, ये देखो इतना भी मुझे पता है, पहले भी इसकी खबर बीच में उछली हुई थी इस चीज के चक्कर में, ऐसा उसने नहीं किया है, बस फोटो वोटो जो उसने क्लिक किया वो मुझे पता है, देखो बट वो ऐसा है नहीं, वो लड़का उस चीज में है नहीं। देखो एक गुस्से की एक रुतबे की अगर बात की जाए, एक फ्रेम जब बन जाता है तो आदमी चिढ़ने लगता है हर किसी से, तो कई बार देखा गया उसके FIR भी दर्ज हुई है, किसी पे FIR दर्ज होना भी कहता है कि यार एक जुर्म ही है, वो मुजरिम के तौर पे देखा जाता है, पर एक एल्विश यादव पे FIR दर्ज हो गई है, लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्सेल आदमी बताता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो कि दुनिया उसके बारे में झूठ साबित कर दिया, देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो जहाँ तक कि मुझे पता है
वैसे तो मैं अभी जॉब वाला हूँ और काम धंधे वाला हूँ, बीवी वाला बच्चे वाला हूँ, ठीक है, इतना मतलब वो नहीं करता हूँ, ठीक है, अपने काम से कम मतलब रखता हूँ फिलहाल, वो ऐसा नहीं है, आता जाता अपने घर पे आता जाता रहता है, बस यही कह सकता हूँ। और बाकी आप देख, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपने हमसे बात की। तो देखिए अभी हम एल्विश यादव के घर के बाहर खड़े, ये एल्विश यादव का घर ही है और अभी हम बाहर ही खड़े हैं। गाँव के मौजूदा लोग हैं और गाँव के मौजूदा लोग यही कह रहे हैं कि एल्विश यादव जो है वो एक गांव में पला बड़ा और छोटे से लेकर के इस उम्र तक आया और गांव के लोग जो है उसको बड़ा सराहते हैं, वो हर किसी से बड़े प्यार मोहब्बत से रहता है। फिर से वही सवाल कि एल्विश यादव पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं वो तो वक्त बताएगा।